ज्ञापन 100 से अधिक, वाहन रैलियां 29 से अधिक, धरने 6 से अधिक और पैदल रैलियां अनगिनत। ये वो आंकड़े हैं जिन तक हमारा कैमरा पहुंच सका। ऐसी और भी कई रैलियां, ज्ञापन व धरने हुए थे जहां हमारा कैमरा पहुंच नहीं सका था। देश में महिलाओं की इतनी सारी रैलियां एक ही दिन एक ही महापुरुष के लिए पहले कभी नहीं हुई थी। इन महिलाओं ने एक नया इतिहास रचा है। ये आंकड़े हैं उन संत रक्षक, संस्कृति रक्षक महिलाओं के, जो कि डंके की चोट पर पूरी दुनिया को बता रही हैं कि आत्मवेता संत श्री आशाराम जी बापू निर्दोष हैं। ऐसे संत की जगह जेल नहीं, हमारा हृदय है। हमारी सब बहनों की यही मांग है, हमारे बापूजी का क्या कसूर है जो 7 सालों से बापूजी को ना कोई बेल दी जा रही है, ना पेरोल दी जा रही है, ना उनको छोड़ा जा रहा है। हमारा गुरुदेव शंशी आशाराम जी बापू निर्दोष छे, एमनी साथे जे अन्याय थई रह्यो छे एनी माटे अमे अहींया बहनो आवी छे बधा, के जेमनो गुना करे छे ए लोको आरामथी बहार फरी शके छे, बेल मळी शके छे। ज्यारे पूज्य बापूजी नुं स्वास्थ्य सारू नथी तो पण एमने बेल एक दिवसनी पण नथी मळती, तो अन्याय सामे लड़वा माटे आजे विश्व महिला दिवसना दिवसे बधी ज बहेनो आखा विश्वमां आ रीते रोड पर आवी छे के अमने न्याय आपो। वी वोंट अवर बापूजी टू बी बेक एंड देट टू विथ फुल रिस्पेक्ट बिकॉज He is innocent. सब दुनिया जान गई है कि बापूजी निर्दोष है और इतने साल 84 साल के बापूजी हो गए, उनकी तबीयत अच्छी नहीं तो भी कार्य आगे नहीं बढ़ा रहे। ये रैलियां समूचे देश में जगह जगह पर 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला उत्थान मंडल के अंतर्गत निकाली गई थी। जब पूरी दुनिया 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बाजार सजा रही थी, तब महिला उत्थान मंडल की ये बहनें समूचे देश में घूम घूम कर संत रक्षा, संस्कृति रक्षा का बिगुल बजा रही थी। महिला उत्थान मंडल की बहनों का ये सफल प्रयास पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना, इसीलिए ट्विटर ट्रेंड और मीडिया ने इस विषय को टॉप पर रखा। सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में इन बहनों की आवाज इतनी गूंजी कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए थे कि इतने बड़े संत के साथ अत्याचार तो हुआ ही है। शिवपुरी में महिला उत्थान मंडल ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर आसाराम बापू को रिहा करने के लिए ज्ञापन सौंपा है, जिसमें राष्ट्रपति से गुहार लगाई गई है कि आसाराम बापू निर्दोष हैं और उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। इसके लिए महिलाओं ने डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। इन देवियों ने संत श्री आसाराम जी बापू की रिहाई की मांग की। इन बहनों ने संस्कृति रक्षा यात्राएं निकाल कर ज्ञापन सौंप कर वैदिक संकल्प करके संस्कृति की रक्षा पर चर्चा करके और आत्मवेता संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा किए गए सेवा कार्यों के बारे में समाज को अवगत करवाया और आह्वान किया कि संत की रक्षा संस्कृति की रक्षा है और संस्कृति की रक्षा ही देश की रक्षा है।